लेकिन मैं आज व्यास मंच से आप सभी से कहना चाहता हूँ, बिना भाग्य का भोग नहीं होता और बिना प्रभु की कृपा में नहीं मिल सकता। आप लोग, आप सभी को देख करके हमें एक बाबा जी की कथा याद आ गई। इसी सिचुएशन में बाबा जी थे, वो एक गांव में गए और उस गांव में घूमते घूमते बाबा को सुबह से लेकर के शाम हो गया, लेकिन महाराज एक निवाला नहीं मिला, मतलब एक रोटी नहीं मिली। लेकिन वो बाबा ऐसे ही गांव में पहुंचे तो वहां जैसे ही गांव में बाबा जी को देखा, लोगों ने बड़ा खातिरदारी के साथ महाराज उनका मान सम्मान किया। अब महाराज बाबा जी के मन में विचार आया, जिस गांव में महाराज एक रोटी नहीं दिया, बाबा जी ने कहा कि ये गांव यही इसी प्रकार बसा जाए, और जिस गांव में बाबा जी का मान सम्मान हुआ, बाबा जी ने कहा भगवान करे ये गांव उजड़ जाए। अब लोगों ने कहा, अरे बाबा उस गांव के व्यक्ति ने आपको एक रोटी नहीं दिया और आप उसको बसने का आशीर्वाद दिया, और इस गांव में लोगों ने इतना खातिरदारी किया, आप उजड़ने का आशीर्वाद। बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा जी ने कहा, अरे भैया अगर उस गांव का व्यक्ति उजड़ गया तो वो दूसरे गांव को भी सत्यानाश कर देगा। हाँ, इसलिए वो उजड़ना नहीं चाहिए, वो वही बैठे रहना चाहिए। और इस प्रकार का गांव अगर उजड़ेगा तो यहाँ का व्यक्ति जिस जगह पे जाएगा, जहाँ पे रहेगा, वहां पे धर्म की पर्चा लहराएगा। इसलिए ये गांव उजड़ जाए ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रह जाए। आज आप लोगों ने इस कथा को चरितार्थ करके सुनाया, नहीं तो महाराज हमारी गाड़ी तो सीधी ही यहाँ से निकल जानी थी। लेकिन ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि आप लोगों के बीच में ये 7 मिनट का समय